डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी ने प्रश्न किया था कि सोशल साइंस के मैप्स के क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो देखिए, इस मैप को बनाने के लिए आपको दो तीन तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले एग्रीकल्चर चैप्टर का मैप अगर आपको करना है तो आप ये याद रखिए कि गेहूँ वहाँ पैदा होता है जहाँ पर धूप अच्छी हो और बारिश कम हो, और चावल वहाँ पैदा होता है जहाँ उसके लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है और पानी वहाँ पर अच्छे से मिल जाए। तो भारत का जो कोस्टल एरिया है, ठीक, भारत का जो कोस्टल एरिया है वो पेनिनसुलर एरिया, जहाँ पे जैसे महाराष्ट्र से लेकर के आप केरला तक चले जाइए वेस्टर्न साइड में, और ईस्टर्न साइड में आप वेस्ट बंगाल से लेकर के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन तमाम जगहों को चावल के एरिया है। क्यों? क्योंकि इन जगहों पे बारिश अच्छी खासी हो जाती है। अब ये बारिश क्यों होती है अच्छी खासी? क्योंकि ये बारिश होती है एक, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, क्लाइमेट, अरबियन सी से बारिश आता है मानसून, और बे ऑफ बंगाल से बारिश आता है। अब चूंकि समंदर वहाँ पे है, समंदर से मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर उठेगा फिर वो बारिश करा देगा। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अभी मैं क्लाइमेट नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये जानिए कि ये जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे चावल होता है, नॉर्थ ईस्ट में भी चावल होता है। बचे जो मध्य प्रांत हैं और जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर गेहूँ होता है। अब इसको कैसे याद रखें? इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जगहों पर ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसने गेहूं का पैदावार बढ़ा दिया था। अब अगर ऐसे भी आपको याद नहीं हो रहा है तो आप हनी सिंह के गाने सुने हैं, आप हनी सिंह का गाना है रोटी पानी खावे ना, तो हनी सिंह कहाँ के हैं? हनी सिंह है पंजाब के, तो पंजाब पंजाब के हैं, इसलिए उन्होंने अपने गाने में रोटी डाला। सपोज करिए हनी सिंह अगर असम के होते, वेस्ट बंगाल के होते या आंध्रा के होते तो इडली डालते, चावल डालते, चावल का कोई डालते, चावल पानी खावे ना, चावल दाल खावे ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वहाँ का भूगोल वहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो गेहूं और चावल आप अच्छे से याद कर लिए, ठीक। और बचे मोटे अनाज, तो मोटे अनाज राजस्थान और गुजरात साइड में होते हैं, ये एग्रीकल्चर का हो गया। दूसरा पॉइंट अगर है तो वो हम देखेंगे कि कोयला, कोयला किधर होता है? तो जहाँ कोयला होगा वहाँ आयरन एंड स्टील प्लांट भी होगा। तो ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे कोयला आपको मिलता है, कोयला मिलेगा, लोहा मिलेगा, इन जगहों पे आपको अच्छे से मिलेगा कोयला लोहा। तो ये एरिया कोयला और लोहा के हो गए, समझ पा रहे हैं इस बात को? अब इम्पॉर्टेंट है ऑयल, ऑयल कहाँ कहाँ मिलता है? तो ऑयल ज़्यादा जगह मिलता नहीं है भारत में, ऑयल मिलता है ये असम में और गुजरात में और बॉम्बे हाई में, तो इसको याद करने होंगे, ठीक। ये सिंपल सिंपल तरीके हैं जो आप याद कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं याद करना है तो आपको मैप बनाने के लिए, मैप के क्वेश्चन जिसमें 5 में से 5 नंबर पूरे पाने के लिए, आप क्या करिए कि एक मैप उठाइए और लिखिए कोल फील्ड, ठीक। कोल फील्ड लिख करके अपने कागज़ में, अपनी कॉपी में जितने कोल फील्ड हैं उसको नोट करिए, आयरन ओर उसको नोट करिए, ऑयल फील्ड उसको नोट करिए, अलग अलग नोट करिए, फिर एक सादा मैप लीजिए, ठीक। उस सादा मैप को आप भरिए, खुद से भरिए, एक बार देख देख कर भरिए और दूसरा बार खुद से भरिए। तो इस तरीके से आप मैप के क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। ये सामान्य तरीके हैं, सिंपल तरीके हैं, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह जाता है मैप के क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके लिए एक नया वीडियो मैं बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आपके परीक्षाओं के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।